सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। सहकारिता विभाग ने रजिस्ट्रार नीरज के भवन सभी विभागों को सख्त कार्रवाई के पत्र भी लिखेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे में सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार भ्रष्टाचार और फर्जी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वालों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। सरकार फर्जी तरीके से योजना का लाभ उठाने वालों पर कार्रवाई करने जा रही है। पिछली सरकार में अल्पकालीन ऋण माफी योजना में 50,000 फर्जी किसानों ने झूठा शपथ पत्र पेश कर योजना का लाभ लेने की कोशिश की थी, जिसमें 10,000 सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। सरकारी ऋण माफी की अधिसूचना में साफ लिखा था कि इस योजना के लिए सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों ने झूठा शपथ पत्र पेश कर योजना का लाभ उठाना चाहा। अगर 50,000 फर्जी किसानों का ऋण माफ हो जाता तो सरकार को 125 करोड़ का फटका लगना तय था। ऐसे में सहकारिता विभाग सभी विभागों को पत्र लिखकर ऐसे कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिन्होंने शपथ पत्र पेश कर योजना का लाभ उठाना चाहा। इस बार चूंकि आधार ऑथेंटिकेशन और अंगूठा लगा करके ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया कर दी गई है, तो इस बार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन पहले जिन्होंने अगर गलत लाभ ले लिया है तो उन सभी विभागों के अधिकारियों को लिखा जाएगा कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हालांकि अब गहलोत सरकार ने पूरी ऋण माफी योजना को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे फर्जीवाड़ा होने की आशंका पूरी तरह से खत्म हो गई है। पिछली सरकार में हुए फर्जीवाड़े को देखते हुए ऋण माफी योजना को बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ा गया था। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां ऋण माफी योजना को ऑनलाइन किया गया है, लेकिन पिछली योजना में फ्रॉड करने वाले सरकारी कर्मचारियों और अपात्र किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऋण माफी योजना के तहत इन जिलों में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं। 2018 में डूंगरपुर में 1,790 कार्मिकों ने झूठा शपथ पत्र पेश किया था। ऐसे में सरकार को 512,06,000 रुपए का चूना लग सकता था, तो बांसवाड़ा में 2,04,000 रुपए का गबन हो सकता था। भरतपुर संभाग के 338,45,000 रुपए के माफी के आवेदन पोर्टल पर आए। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जालोर, झुंझुनू, कोटा, नागौर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर जिलों में कर्मचारियों ने ऋण माफी का लाभ लेने की कोशिश की। अपात्र लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, जिससे जो पात्र अन्नदाता हैं, उन्हें इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।